राहुल सलमगीर के बॉल का, और अब डीजे के पास ना बैठे। आप सभी से निवेदन है। इसी बीच सलमगीर की बहुत अच्छी बॉल और स्कोर अभी भी 76 रनों पर रुका हुआ। मैं आपको बता दूं 20 ओवरों का मैच खेला जा रहा है और 6 ओवरों का पावर प्ले, 4-4 कैच स्पेल करा जाएगा, 5 बॉलरों का यूज किया जा सकता है। और वहीं पर राहुल ने दबा दिया काफ़ी अच्छी बॉल सलमगीर के द्वारा। सलमगीर ने अभी तक 9 विकेट छटका चुके हैं सेमीफाइनल और फाइनल में। यह मैच निमैया पूरी पंचायत के भावी मुख्य प्रत्याशी मकबूल सेठ द्वारा कराया जा रहा है। सलमगीर चले और राहुल ने बॉल को वहीं पर दबा दिया, रन लेने का कोई मौका नहीं। इस तरह स्कोर रुका हुआ 76 रनों पर। मैं आपको बता दूं जो प्लेयर बैटिंग कर चुके हैं वही फील्डिंग करेंगे, कोई भी गलती नहीं करेंगे, नहीं तो बाद में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सलमगीर चले धीरे धीरे कदम से, सामना करेंगे राहुल, और इसी बीच काफ़ी शानदार बॉल राहुल चकमा खा गए और इस तरह 4 डॉट गेंदे और स्कोर अभी भी रुका हुआ 76 रनों पर। सलमगीर जो कि सेमीफाइनल और इस फाइनल को मिलाकर अभी तक 9 विकेट चटका चुके हैं, और इसी बीच सामना करेंगे राहुल। सलमगीर चले धीरे धीरे कदमों से, सामना करेंगे राहुल। राहुल ने स्ट्रेट ड्रॉप खेल दिया था लेकिन फील्डर मौजूद, बॉल को फील्ड कर लिया, कोई रन लेने का मौका नहीं। 5 डॉट गेंदे, स्कोर अभी भी रुका हुआ 76 रनों पर। यह खेल निमैया पूरी पंचायत के भावी मुख्य प्रत्याशी मकबूल सेठ द्वारा आयोजित किया गया है। राहुल इसी बीच और इस तरह यह मेडन ओवर सलमगीर के द्वारा काफ़ी अच्छा प्रदर्शन। आज सभी दर्शकों से उम्मीद की जाती है आप इनके लिए ताली से स्वागत करेंगे।